हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल, पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम वशर यार, बहुत कमाल का वीडियो लेकर आए हैं, फ्रूट प्राइसेस इन इंडिया वर्सेस फ्रूट प्राइसेस इन पाकिस्तान। यार पाकिस्तान में तो इतनी महंगाई हो गई है, मैं आपको बता नहीं सकता। तो देखते हैं इंडिया में क्या रेट है फ्रूट्स के और पाकिस्तान का क्या है। देखो इन चीजों में हाँ काफी सारे मतलब सीजन चल रहे हैं, फ्रूट्स नए आए हैं, तो यार क्या रेट भारत में क्या पाकिस्तान में, देखेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। पहले देखते हैं भाई, काउंट करते हैं जेड वन एंड स्टार्ट। पहले पाकिस्तान अज 18 तारीख है, 11वां मुहर्रम अल हराम है। इंशाल्लाह से आए हैं जम्मू के और मुख्तलिफ फ्रूट का रेट पूछेंगे कि रेट है कि नहीं। छुट्टी सी जामुन बोल ₹700 तरी 140 रुपए पाँच किलो 700 रुपए के गए। इधर रेट है जी, कल छुट्टी सी 10वां मुहर्रम अल हराम, 200 रुपए अजय रेट है 700 रुपए तरी का 5 किलो का। बस माशाल्लाह आ गया जी VIP चुन से थे। रेट का पता करांगे कि इधर रेट की लालाई किन्ने का दाम का क्या है। चौंसा है वाला, चौंसा ये शेर वाला, ये 3200 रुपए का। सर इधर वजन कितना है सर? इंशाल्लाह 12 किलो 12 किलो वजन है। 300 रुपए के जी मंडी में। अच्छा वाला चौंसा मंडी में, बाकी के चौंसा कहाँ पे आ गया? 300 रुपए 2800 रुपए का दस रेट 2500 आज तक बहुत तेज है। 3000 का 300 रुपए के जी, 300 रुपए 300 रुपए के इंटरनेशनल है सर जी, इंटरनेशनल है। सॉरी मैं तेरा बोल गया सी, इंटरनेशनल है। ये दाने 10 दाने 900 रुपए का दाना, एक दाना 900 रुपए का, एक 900 रुपए का दाना, एक 900 रुपए का, ये 1000 रुपए का दाना, 1000 रुपए का दाना, ये सर दाम 1050 रुपए का दाना, 1050 का दाना, ये क्या आलू बुखारा है? इतना बड़ा 450 किलो वजन होता है। पूछेंगे इधर रेट की है कितने का? अच्छा लाला चौंसे का किन्ना रेट? 2400 रुपया इधर वजन नहीं था, वजन है 11 किलो यार। एडी पेटी बड़ी पड़ी है, 11 किलो 11 किलो वजन, 11 किलो वजन, 2400 किन्ने का किलो? 120 रुपए किलो 220। माशाल्लाह जी, असी हुण गोशे आने, आड़ू आने, आलू बुखारे का भी पता करांगे, कोशिश करांगे अंब का भी पता करन दा। ठीक है ना कि अगर मौसम ने साथ दिता, क्योंकि बारिश का बड़ा मौसम हो गया, ये भी आम करीबन है जेड़ा गोशा है ना, अभी ये तो 200 रुपए किलो पै रहा है। गोशा भी 200 रुपए किलो पै रहा है, 800-900-1000 की पेटी है, 1000 की पेटी, वही रेट है, महंगा है फ्रूट यार, तभी तो हम लोग खा नहीं सकते इसको भाई। छुट्टी तो बाद जेड़ा है ना, कल छुट्टी सी, 10वां मुहर्रम सी, आज 11वां मुहर्रम है, 18 तारीख है। माशाल्लाह 18 तारीख नू आड़ू बहुत ज्यादा आया, आड़ू बहुत ज्यादा आया, क्योंकि कहते फसल काटे फसल काटे यकदम। आज छुट्टी कल गुजरी, आज माशाल्लाह मंडी के बिच जेड़ा ना आड़ू बहुत ज्यादा आया है। लेकिन इसका रेट का भी पता करने है कि ये रेट की है, क्योंकि असल तो गल रेट की। लाला की रेट है आड़ू का? इन्हों का रेट है 1050 रुपए 1050 बहुत महंगा है, 220 रुपए किलो जेड़ा ना पै रहा VIP जो भी खा रहे हैं।25000 ये इसके नीचे वाली तय
ठीक है बकरा लाया हुआ नहीं नहीं ये सबसे एंड वाला है तीन गुत्ता हो दिया तीन अच्छा उतनी दे वे ठीक है ठीक है यानी क्या ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਤਮਨ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵੋ ਇਹ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੇ ਆਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ये माशाल्लाह 1100 ਦੀ ਪੇਟੀ ਹੈ ਔਰ 7 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ 7 ਕਿਲੋ 1100 ਰੁਪਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਤੱਲੇ ਤੱਕ ਤੱਲੇ ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪੇਟੀ 2800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰ ਚੌਂਸਾ ਕੀ ਰੇਟ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਿਲੋ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ 250 ਦੀ ਸਰ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 12 ਕਿਲੋ ਹੈ ਭਾਈ 200 ਕਹਾਂ ਪੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਗੈ 12 किलो पेटी बड़ी मेरा 12 किलो बुखारा बहुत घट है यार आलू बुखारा कैसे यार 900 दे 90 हेलो तू बेच रहा है कितने का बेच रहा है 3 किलो पड़ा 4 रुपए का 450 रुपए किलो ये तो 100 रुपए किलो इथे पै रहा है मठा है ना थोड़ा आज साहब कितने की पेटी बेच रहे हो ये 80000 रुपए तक बेचे 950 ते बेच रहे हैं मतलब ये रेट है मुझसे अब आ गया यार इंडिया का आ गया नेताजी के पास और आज तारीख है 17 जुलाई 2024 और बुधवार का दिन है और यहाँ पे देखो पके हुए लगे हुए और यहाँ पे भाई हाथ हिलाते हुए अपना टाटा बाय बाय करते हुए तो देखो भाई अभी टाटा बाय बाय करने का टाइम नहीं है और यहाँ पे काम का टाइम हो गया है। देखो यहाँ पे आ गया है पपीता काफी बढ़िया पपीता दिखाई दे रहा है और लग रहा है कटूर का है कटूर का ही है कटूर का ही है क्योंकि मैं जब पता चल गया गाड़ियों से तो आइए पूछते हैं आज का क्या भाव है आज क्या भाव चल रहा है 30 से 35 25 देखो आज मतलब 35 लाख मतलब आज 5 रुपए कम हो गया है ना क्योंकि गर्मी ज्यादा है और माल खराब होने का संभावना है तो गाइस देखो यहाँ पे केले दिखाई दे रहे हैं भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं भैया बढ़िया माल में डील करते हैं एकदम सुपर क्वालिटी में डील करते हैं और भैया के पास हमेशा सुपर मिलेंगे तो गाइस देखो हर अलग 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 लोगों के पास अलग अलग वैरायटी मिलता है यहाँ पे देखो एक एक वैरायटी देखो यहाँ पे देखो ये वैरायटी देखो बहुत ही अलग वैरायटी दिखाई दे रहा है काफी बड़े साइज में है तो देखो साइज देखो इनका साइज देख के आप दंग रह जाओगे और एक एक 3 किलो 3.5 किलो वजन हो जाएंगे इनमें भाई पूछते हैं कहाँ का माल है और क्या भाव चल रहा है नीचे तो इनका पूरा गोदाम तो नीचे नहीं चलेंगे रेट लेते हुए आगे बढ़ेंगे कहाँ का माल है ये मुसावर तो ये कहाँ पे पड़ता है ये महाराष्ट्र में पड़ता है महाराष्ट्र में पड़ता है तो क्या भाव ओके ओके तो ये कितना दर्जन का दिखा रखे हुआ ये 10 दर्जन 10 दर्जन का क्या भाव है 10 दर्जन 600 रुपए का 600 रुपए का भाई 10 दर्जन 600 रुपए का और 15 दर्जन 15 दर्जन 550 और 15 दर्जन 12 दर्जन है 600 रुपए का है 18 दर्जन 450 रुपए का 18 दर्जन 18 दर्जन 450 यहाँ पे आ गया हूँ मैं अनानास के एरिया में तो यहाँ पे अनानास में दो वैरायटी है राजा और रानी तो देख लो यहाँ पे छोटा साइज मतलब बड़े साइज उधर भी है अच्छा छोटा साइज दिखाई दे रहा है ये सब ये अभी है ही नहीं इधर बड़े साइज उधर है भाई देखो छोटा साइज उधर है ये छोटा है और 1000 सुपर का एक पीस है देखो ये रानी है कलरफुल होता है राजा हमेशा एक ही कलर का होता है हरा अच्छा। और ये भी पकता है मगर ये पकने से ये कोई नहीं ले सकता आएंगे नहीं हमें पहुंचेंगे ही नहीं भाई ये भैया कैसे भैया जी राधे राधे जी और बताइए कैसे हो आप तो आज बताइए आज क्या राजा का क्या भाव चल रहा है राजा का आज राजा का भाव है 28 से 35 रुपए राजा पाइन एप्पल का 28 रुपए 28 से 35 रानी का है 65 से 70 रुपए तो गाइस देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आम 16 नंबर सेट में आ गया हूँ और यहाँ दिखाई दे रहा है आम का वैरायटी में दिखाई दे रहा हूँ सारा लहंगा दिखाई दे रहा है और चौसा भी है क्या बाबू आपके पास सारा लहंगड़ा है देखो लहंगड़े की वैरायटी अलग अलग है और यहाँ पे सारा पका हुआ आम है ये और 20 से 22 किलो का क्रेट है ये आइए बाबू जी से पूछते हैं कहाँ का माल है ये हसनपुर का माल है हसनपुर भाई हसनपुर में हसन दिखाई दे हुसन दिखाई दे देता है देखो कितना बढ़िया माल है साइज देखो बहुत खूबसूरत माल है तो ये सारे पके हुए माल है तो कितना किलो आ रहा है क्रेट में रेट में यही है 20 से लेके 22 तक 20 से 22 तो क्या भाव चल रहा है आज ये 20 रुपए से लेके 25 तक 24-23 जहाँ भी भाव रखता है और ऊपर ऊपर अभी कोई नहीं है बाकी अब से ओके देखो यहाँ पे आम दिखाई दे रहा है और ये फजली आ गया है फजली और यहाँ पे देखो फजली आम है और यहाँ पे आना है बाबू जी के पास और यहाँ पे देखो ये जो है ये कौन सा चौसा है या लेंगड़ा है पूछते हैं बाबू जी से
और कौन सा वैरायटी है, और बाबूजी इधर बैठे हुए हैं। नमस्ते बाबूजी। तो बाबूजी आम कौन सा है? आम है ये फजली। फजली क्या भाव चल रहा है आज? ₹250। कितना किलो के? 8 किलो। 8 किलो ₹250 का भाई फजली है। और ये कहाँ का माल है? सहारनपुर का फजली है। और आना भी दिखाई दे रहा है, ₹250। गुजरात का? गुजरात का भाई है। ₹250 अनार चल रहा है। देखो ये जूस वाले मतलब का है। और आपका पास पलब भी मिलता है। और ये देखो ये बढ़िया माल है, बढ़िया अनार है। कितने का? 800। तो गाइस देखो ये ₹800 का बढ़िया 6 ग्राम का दाना है ये, और 150 ग्राम का, और 10 किलो माल रहता है। 10 किलो माल रहता है। और पलब का क्या भाव है? ₹1600 पेटी। 18 किलो माँ ब्लेस के नाम से। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और नंबर भी आपको पता चल जाएगा। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। यहाँ पे नंबर है दिया गया है, देखो तो दिया गया नंबर पे कोई भी किसान भाई है, रिटेलर भाई है, होलसेलर भाई है, जुड़ सकते हैं। और बाबूजी इधर फोन पे लगे हुए हैं। आइए यहाँ पे देखो, भैया है यहाँ पे, और भैया के पास है, दिखा देता हूँ क्या है। देखो ये आ गया मौसमी की गाड़ी पे, और मौसमी देखो ये छठे जा रहे हैं, और यहाँ पे गाड़ी खाली होते हैं दिखाई दे रहा है। भैया लोग मेहनत करते हुए, बाबू जी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। और कुछ यहाँ पे इधर नहीं आया बाबू जी, 18 साल का देखो, 18 साल का लग रहा है, काम कर रहे हैं फुर्ती से। ये बाबू जी 36 साल का, ये बाबू जी देखो 35 साल का होगा मुश्किल से मुश्किल, जो काम करने का रफ्तार है इनका, और ऐसे उम्र तो ज्यादा ही है। और आइए पूछते हैं भैया से आज का क्या भाव है। 25 किलो। भैया जी नमस्ते, कैसे हो? एकदम बढ़िया। तो आज का क्या भाव है, क्या बाजार है, कितनी गाड़ी आई है? गाड़ी लगी है भैया तो 65-70 के आसपास। आज कम है गाड़ियां? कम है। तो कितना बैलेंस वगैरह? 70 बैलेंस है, 2-4 गाड़ी बैलेंस है, ज्यादा नहीं रहता ना। तो ये बताओ भैया आज का क्या भाव है नीचे से लेकर ऊपर तक? भाई भाव है 4 नंबर बिक रहा है आज आपका 21 से 22 रूपए, और 3 नंबर बिक रहा है आपका 29 से लेके 30 रूपए। ओके। अच्छा, और मीडियम बिक रहे हैं 38-39, और 1 नंबर बिक रहा है 42। और 5 नंबर? 5 नंबर बिक रहा है भैया 11 रूपए। 11 रूपए। और नीचे जो है आपका चूरा? चूरा बिक रहा है भैया 18-19। पीला 18-19। और मुंगू? मंगू बिक रहे हैं 20 रूपए। 20 रूपए। तो गाइस आपको सारा चीजों का रेट पता चल गया, हर वैरायटी का रेट पता चल गया है मौसमी में। तो इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार ये मतलब मैंने देखा है दुनिया में, पाकिस्तान में तो कभी कम सब्जी हुई नहीं है। ये चीज फ्रूट ये बढ़ते दाम बढ़ते ही जाते यार, उधर टमाटर का कम हो रहा है, पाकिस्तान में 300 रुपए किलो हो गया। ये देखो टमाटर, आप ये छोड़ो टमाटर की तो बात बाद में करेंगे, पहले फ्रूटों की बात करो भाई। फ्रूटों का क्या हमारा मंडी का रेट था 300 रुपए उधर का, और उधर क्या रेट था? 20 रुपए 25 रुपए, मतलब 250 रुपए की पेटी 8 किलो की, 8 किलो की 250 रुपए की। इधर 250 मुंह पे मारेंगे। जो केला बता रहे थे ना 500 रुपए का, 10 दर्जन था ना? 10 दर्जन 12 नहीं 500 का नहीं, 300 का मेरे ख्याल में 8 दर्जन। नहीं मैं और बता रहा हूँ। अच्छा वो पाकिस्तान में? पाकिस्तान मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान में 200-250 रुपए लोकल छोटा ये केला। ये वो छोटा केला इतना साइज का नहीं, 200-250 रुपए दर्जन आ रहा, और उधर 500 रुपए के 10 दर्जन। 10 दर्जन और केला देखो 500 के 600 के वो 10 दर्जन दे रहे थे। अनार इधर पहली बात तो है ही नहीं। हाँ। अगर जिसके पास है किधर से मंगवाता है? 1000 रुपए केजी है भाई, और उधर भाई 800 रुपए की पेटी बता रहे थे ना पपीता। 35-30-35 इधर एक वो 1000 से ऊपर का हम जिसको बोलते हैं। हाँ। इधर 1500 का, 1050 को एक पीस था। अब भारत में क्या है नहीं पता, नहीं पता यार मतलब कितना आपके यार एरिया में क्या रेट चल रहा है। देखो ये होलसेल, इधर भी पाकिस्तान में भी होलसेल मार्केट थी, उधर भी होलसेल, लेकिन फर्क देखो, फर्क देख लो, जमीन आसमान का फर्क है यार। आपका क्या इसका कहना है? आपकी तरफ क्या रेट है अभी? शायद आपकी तरफ और आम का क्या रेट चल रहा है? आपकी तरफ शायद इससे भी सस्ते रेटों को बताना, अपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना। 1000 रुपए